इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में पीसीआर भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को पीसीआर का मतलब बता देते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें जो वर्ड यूज किया है पॉलीमरेज, तो याद कर लीजिए इस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है, वो एक डीएनए की कॉपीज बनाता है। तो बिल्कुल हूबहू एक डीएनए से दो डीएनए की कॉपीज बन जाएंगी। अब तो उसी तरह से इस चेन रिएक्शन को हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत थोड़ा डीएनए का सैंपल अवेलेबल है, अगर हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड भी अवेलेबल है, तो उस स्ट्रैंड की हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं यूजिंग दिस रिएक्शन। तो इस तरह की टेक्निक को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रोसीजर और एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हमारी इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। तो पहला टर्म है पीसीआर प्राइमर्स। तो पीसीआर में हम प्राइमर्स यूज़ करते हैं, ये सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। और ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये टेम्पलेट डीएनए के किसी एक रीजन से कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं। इस बात को आगे हम और भी अच्छी तरह समझेंगे जब हम पीसीआर डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या यूज हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं टू द डीएनए सीक्वेंसेस दैट फ्लैंक द टारगेट रीजन ऑफ द इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास ह्यूमन का एक डीएनए है, स्ट्रैंड है, लेकिन हम उस पूरे डीएनए स्ट्रैंड पर में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें उस डीएनए स्ट्रैंड में से केवल इंसुलिन जीन चाहिए, हम केवल इंसुलिन जीन वाले रीजन को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो हम प्राइमर की हेल्प से केवल इंसुलिन जीन को लोकेट कर सकते हैं उस पूरे डीएनए स्ट्रैंड पर। तो आगे अभी हम और बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ पाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे पीसीआर। तो प्राइमर की हेल्प से एक तो हम अपने टारगेट लोकेशंस को लोकेट कर पाते हैं, टारगेट जीन को लोकेट कर पाते हैं, और दूसरा बात यह है कि जो प्राइमर है ये हमें फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रोवाइड करता है, जिस ग्रुप से की हेल्प से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम शुरू कर पाएगा उस डीएनए स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करने के लिए। और यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं वो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ये खास तरह के बैक्टीरिया से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस है, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है, एग्जिस्ट करता है। और ये हॉट स्प्रिंग्स, ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर, और इनका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। तो ऐसे गर्म पानी में ये रहता है थर्मस एक्वेटिकस, और इस थर्मस एक्वेटिकस से जो डीएनए पॉलीमरेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम टैक पॉलीमरेज कहते हैं। ये थर्मस का टी हमने ले लिया और एक्वेटिकस जो जीनस है, जो स्पीशीज नेम है, उसके फर्स्ट टू लेटर्स ले लिए और इन दोनों को कंबाइन करके हमने टैक वर्ड बना दिया। तो टैक पॉलीमरेज हमें थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है जो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। तो इस पॉलीमरेज की हेल्प से हम अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को एम्पलीफाई करवाएंगे। अब हम पीसीआर के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम इस डीएनए का मतलब बताते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड दिखाया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, तो कुछ तो ये ग्रे पोर्शन दिखाया हुआ है और ये कुछ ब्लू पोर्शन दिखाया हुआ है। तो ग्रे पोर्शन ये बता रहा है कि ये डीएनए स्ट्रैंड इस तरफ भी ये और भी कंटिन्यू हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा डीएनए स्ट्रैंड हो सकता है, लेकिन इस डीएनए स्ट्रैंड में से हम केवल इस ब्लू रीजन वाले डीएनए में ही इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये कोई हमारा डिजायर्ड जीन का डीएनए हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, डीएनए रेप्लिकेशन को रिकॉल कीजिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो पहला स्टेप होता है वो बेस पेयर्स के हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना और रेप्लिकेशन फोर्क का बनना होता है। तो अब ये जो स्टेप है ये हम आर्टिफिशियल तरीके से हम हायर टेम्परेचर पे करवाएंगे, तो इस डीएनए को हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आएंगे, तो इस हायर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये डुप्लेक्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं।
अब जो दूसरा स्टेप होगा वो अब हम इसमें प्राइमर्स ऐड करेंगे। ऐसे डीनेचर्ड डीएनए में अब हम प्राइमर्स ऐड करेंगे और 95 डिग्री के टेम्परेचर को हम कम करते करते 50 से 70 डिग्री तक लेकर आएंगे और इस टेम्परेचर पे ये जो हमने प्राइमर्स ऐड करे हैं ये अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंटेरिटी के हिसाब से इस जो टेम्पलेट डीएनए है यहाँ पर अपने आप को अटैच कर लेंगे और इस प्रोसेस को हम एनीलेशन भी कहते हैं। एनील का मतलब ही होता है टू ज्वाइन। तो क्योंकि ये जो प्राइमर्स हैं ये अपने टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से ज्वाइन हो रहे हैं तो इस स्टेप को हम एनीलेशन भी कहते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो वो एक्सटेंशन होगा। हाँ, यहाँ एक और बात बता दें, यहाँ प्राइमर की आपको ये एप्लीकेशन जरूर समझ में आ रही होगी। जो हमने कहा था कि प्राइमर्स की हेल्प से हम अपने टारगेट लोकेशंस को लोकेट कर पाते हैं, तो जो हमारा टारगेट जीन है ये केवल ब्लू रीजन वाला जीन है तो हमने प्राइमर्स उसी हिसाब से डिजाइन करे हुए हैं, उसी हिसाब से सिंथेसाइज करे हुए हैं जो इस जीन के फ्लैंक्स पर ये वाले जो रीजन के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उनसे ही कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करते हैं। तो इस तरीके से प्राइमर्स की हेल्प से हम अपने डिजायर्ड डीएनए रीजन को लोकेट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए अब हम इस डिवाइस में ये जो हमारा जो यहाँ पे जो मिल गया है हमें डीएनए स्ट्रैंड और प्राइमर का ये जो कॉम्बिनेशन मिल गया है, अब इसमें हम टैग पॉलीमरेज और जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड करेंगे और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके टैग पॉलीमरेज अब इस टेम्पलेट डीएनए को एक्सटेंड करेगा और एक नया पूरा स्ट्रैंड बना लेगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटरिटी। जो यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए पे जो कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से वो एक पूरा डीएनए स्ट्रैंड बना के तैयार कर देगा और एज अ रिजल्ट हमें एक डीएनए से दो डीएनए स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये हमने एक साइकिल दिखाई हुई है पीसीआर की, इस साइकिल को जब हम रिपीट करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमें कुछ साइकिल्स के बाद मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे हमने दिखाया है कि लगभग 20 साइकिल के बाद हमें 20 लाख से ज़्यादा डीएनए की कॉपीज मिल गई हैं। तो अगर 30 साइकिल करेंगे तो एक डीएनए स्ट्रैंड से 1 बिलियन डीएनए स्ट्रैंड तक हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक बात और अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप इस डायग्राम को देखिए, तो इस वाले प्राइमर को देखिए, तो ये जो प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गया है ये प्राइमर, अब टैग पॉलीमरेज एंजाइम जब काम करेगा इस प्राइमर से इस लोकेशन से तो वो इस डीएनए को तो एक्सक्लूड कर देगा, ये वाला ग्रे पोर्शन तो एक्सक्लूड कर देगा, लेकिन वो कंटिन्यू करते करते वो लास्ट तक इसको एम्पलीफाई कर देगा इस डीएनए स्ट्रैंड को। और जो टैग पॉलीमरेज इस लोकेशन पे काम करेगा तो वो इस ग्रे पोर्शन को तो छोड़ देगा लेकिन ये आगे तक पूरे स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड को एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन हमने ये बात कही थी कि प्राइमर की हेल्प से हम अपने डिजायर्ड डीएनए रीजन को ही एम्पलीफाई कर सकते हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड पीसीआर। तो ये कैसे होगा, तो इस बात को समझने के लिए आप ये वीडियो देखिएगा जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये एनिमेटेड वीडियो है पीसीआर का। तो इस वीडियो में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि कुछ साइकिल्स के बाद केवल और केवल जो हमारा टारगेट रीजन है यही एम्पलीफाई होगा पीसीआर में। अब हम पीसीआर के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है वो है फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पीसीआर को यूज़ करना। तो किसी क्राइम लोकेशन से कोई ब्लड सैंपल या सीमन या कोई हेयर रूट मिल गया है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एविडेंस है और इस जो सैंपल से बहुत कम डीएनए मिला है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उस डीएनए को एम्पलीफाई करना और अब उस डीएनए को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करना। तो सबसे पहले तो फॉरेंसिक साइंस में हम पीसीआर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है कि डायग्नोसिस के लिए,
डिटेक्शन, कोई इन्फेक्शियस जो पैथोजन है उसकी डायग्नोसिस के लिए हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। और पीसीआर की ये सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज में भी पैथोजन की प्रेजेंस को बता सकता है। एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे एड्स, तो एड्स का जो विंडो पीरियड होता है, विंडो पीरियड जबकि हमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इस विंडो पीरियड में अगर हम एलाइजा या वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से अगर हम चाहें डिटेक्ट करना, तो ये टेस्ट नेगेटिव आते हैं, क्योंकि ब्लड में अभी जो एंटीबॉडीज हैं और एंटीजेंस हैं उनका लेवल सफिशेंटली हाई नहीं हुआ है जिसको हम एलाइजा या वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस विंडो पीरियड में भी पीसीआर एचआईवी की प्रेजेंस को बता सकता है, उसे डायग्नोस कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, हाईली सेंसिटिव टेक्निक है, जिसकी हेल्प से हम एचआईवी की प्रेजेंस बता सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्लड में। तो उसके बाद जैसे कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो हम ब्लड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कुछ पैथोजेंस की प्रेजेंस को बता सकते हैं, जो खासतौर से जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जो पैथोजन है, इसको बहुत ही डिफ़िकल्टी से इसको डिटेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, तो ऐसे पैथोजेंस की प्रेजेंस को भी हम पीसीआर की हेल्प से बहुत आराम से, बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट को भी हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। एनवायरनमेंट का मतलब हो गया, जैसे हम किसी वाटर सैंपल को हम एनालाइज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन की प्रेजेंस के लिए। पीसीआर को हम किसी रिसर्च प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जब हम पीसीआर का प्रोसीजर डिस्कस कर रहे थे, तो एक डीएनए स्ट्रैंड से हम केवल इंसुलिन जीन की कॉपीज़ को एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिस इंसुलिन जीन को हमें किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ करना है। और फिर हम पीसीआर को आर्कियोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमें जो फॉसिल्स हैं उनसे जो डीएनए मिलता है वो बहुत ही कम होता है, तो उस डीएनए की स्टडी से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमें डीएनए मिले हैं उसको हम पहले एम्पलीफाई कर लें। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं पीसीआर की।